अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आजकल जो कोरोना की वबा फैली हुई है जिसकी वजह से सब परेशान है, तो ये मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूँ ये उन लोगों के लिए है जो ये डरते हैं कि हमें कुछ हो ना जाए या हमारी फैमिली मेंबर को कुछ ना हो जाए। तो कैल्केरिया क्रैब उन पेशेंट में ज़रूर इस्तेमाल करें जो हर वक्त डरते हों कि मुझे कुछ ना हो जाए, या मेरी फैमिली में जिनके हर वक्त डर हो, किसी न किसी बात का डर हो कि भाई मुझे कुछ ना हो जाए या मेरी फैमिली मेंबर्स को कुछ ना हो जाए, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त दवा है। आप 200 के ड्रॉप जो है वो एक घूंट पानी में दिन में दो दफ़ा दें, एक हफ्ते तक पिलाएं। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, यानी बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है, तो उसमें आप A1 मंथ तक पिलाएंगी तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इनके। इसके अलावा जो पेशेंट सुबह सो के उठे हैं और उनको अचानक से चक्कर आने शुरू हो जाए, या उठते बैठते चक्कर आए और पूरा घूम जाए ऐसा लगे दिमाग, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं कैल्केरिया क्रैब के। उसके अलावा जो पेशेंट जिनको ऐसा लगे कि सर पे बहुत बोझ हो रहा है, कोई भारीपन हो रहा है, तो सो के उठे हों या दोपहर पैर में, तो उनके भी जो सर पे बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है, उनके लिए भी ये कैल्केरिया क्रैब बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा आँखों पे भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, जिसमें मोतिया हो, जिनको धुंधला नज़र आ रहा हो, जाले जाले से नज़र आ रहे हो, उसमें भी कैल्केरिया क्रैब जो है बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। उसके अलावा आँखों की लैशेस जो होती हैं उसमें खुश्की हो जाना, इचिंग हो जाना या दाने बनना बार बार, उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट रहते हैं। उसके अलावा जिसको बहुत ज़्यादा नज़ला रहता हो, हर वक्त नज़ला रहता हो, यानी क्रॉनिक कंडीशन में हो और नज़ला सही हो और फिर पेट में दर्द हो जाए, पेट सही हो फिर नज़ला हो जाए और नज़ला इतना गाढ़ा कि आपको इसमें से स्मेल आने लग जाए और आपकी नाक में भी स्मेल हो, तो उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा रात को सोते हुए अगर आपको बहुत ज़्यादा हलक खुश्क हो रहा हो, मुँह खुश्क हो रहा हो, ये डायबिटीज़ पेशेंट में ज़्यादा होता है और आम पेशेंट में भी होता है, तो उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, आप इसको यूज़ करें। उसके अलावा ये टॉन्सिल्स में बहुत अच्छा काम करती है, जिसको निगलने में प्रॉब्लम आए, कोई भी चीज़ निगलना निगलने में प्रॉब्लम आए, छोटे बच्चे उनके टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा फूल जाए, उसमें भी दे दी जा सकती है। और इसके अलावा जिन लोगों के या बच्चों के मुँह से स्मेल बहुत ज़्यादा आती हो, तो उनमें भी आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा जिसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो, कफ बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकल रहा हो, उसको भी ये पतला करके आराम से निकाल देता है और सीने में दर्द हो जाता है खांस खांस के, चाहे वो खाना खाने के बीच में खांसी हो या सोते में खांसी हो या सुबह उठते खांसी हो। उसके अलावा मेंसेस के दौरान जो फीमेल के प्रॉब्लम्स रहते हैं और लिकोरिया हो जाता है, वाइट दूध टाइप का निकलने लग जाता है, तो उसमें भी इसके कैल्केरिया क्रैब के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। और मेंसेस जिनके बहुत ज़्यादा होते हों, जल्दी जल्दी होते हैं और बहुत लंबे अरसे तक होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसमें भी कैल्केरिया क्रैब के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। उसके अलावा जिसम पे कहीं भी खदूद बन जाए, फूल जाए, स्किन फूल जाए, तो वहाँ पे भी यूज़ करवा सकते हैं आप इसको, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। यानी कि गले के खदूद भी बढ़ जाएँ, बॉडी में कहीं आपके फूल जाए, जैसे क्या कहते हैं उसको, गांठ सी बन जाती है स्किन पे, उसको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है। इसके अलावा स्किन में भी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, एक्नी में बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही है उसमें, और फेस के ऊपर जो मस्से बन जाते हैं उसको भी ख़त्म करते हैं। बॉडी में कहीं भी मस्से आपके बन रहे हो, जो स्किन बाहर आ जाती है उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट, मैंने बताया ना कि गदूद में इसके जो बॉडी में कहीं भी गदूद बन रहे हैं उसको ये ख़त्म करती है, चाहे वो गले में टॉन्सिल्स की शेप में हो या स्किन पे मस्से निकल रहे हों या फेस पे निकल रहे हों, स्किन में इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और सेफ प्रोडक्ट है, इसमें आप टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं और ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं। 30 से स्टार्ट लीजिएगा और इसके पोटेंसी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।